अच्छा, एक मैंने कहा था गुजरात जाना है, स्वीटी जुड़ेंगी, स्वीटी से वो लिंक एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है, पर इंटरेस्टिंग सवाल है और ये हम सब रिटेल खास तौर पे शमला जानना चाहते हैं, तो उनके ना होते हुए मैं सवाल पूछ लेता हूं। स्वीटी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल के 1000 शेयर 20 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? और शमला मैं इसलिए उठा रहा हूं सवाल, आमतौर पर कोई नहीं जुड़ता तो मैं उसका सवाल लेता नहीं हूं, पर इसमें इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब लाइव्स करते हैं, जब शेयर बाजार के बारे में चर्चाएं करते हैं, पब्लिक के लिए फोरम खोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स को लेकर, और सब बड़े होप ट्रेड्स को राइट करने के लिए ऑलरेडी पैसा लगा रखा है लोगों ने शायद। ये कैसे समझाऊं, कैसे करूं, क्योंकि अभी सब कुछ होप है, किसी बड़े ग्रुप का आम है जिसका बिजनेस अब इवॉल्व होना शुरू होगा, क्या वो कन्विक्शन ग्रुप की प्रेसिडेंस को देखते हुए जियो फाइनेंशियल में है कि 20 साल के लिए होल्ड करूं, इन लेवल्स पे खरीद लिया है तो बैठे रहूं खरीद के? आप लोग क्या रिप्लाई करते हो ऐसी क्वेरीज पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस कि कोई ये सोचकर यू नो स्टॉक खरीद रहा है कि वो 20 साल इसमें बने रहे, क्योंकि आमतौर पे इस तरह का होराइजन सुनने में नहीं मिलता है। और अगर आप मेरे यू नो माय होल्डिंग पीरियड अगर आप बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने 20 साल पकड़ के रखे हैं। तो एक यही कैवेट होगा, एक तो मुझे लगता है कि सेक्टर जो जियो फाइनेंशियल में है वो बहुत अच्छा है, यहाँ से आगे चलकर इसमें ओवरऑल पूरे सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। पेडिग्री स्टॉक का अच्छा है क्योंकि इनकी मैनेजमेंट उन्होंने काफी अपने आप को प्रूव किया, वी आर टॉकिंग ऑफ रिलायंस ऑफ कोर्स, उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस में अपने आप को प्रूव किया है, वेदर इट इज रिटेल, वेदर इट इज टेलीकॉम और उनका बेसिक बिजनेस भी, तो वो भी मेरे लिए यू नो दैट्स आल्सो प्लस पॉइंट। यही है सिर्फ मेरा एक ही मैं चीज कहना चाहूंगी, स्पेशली सिंस वो 20 साल की बात करें, आपका समय थोड़ा अलग है तो काफी चीजें बहुत जल्दी बदलती है, तो आप ये स्टॉक को रीविजिट करते रहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल आप इसमें 20 साल का होराइजन देकर बनी रह सकती है। जियो फाइनेंशियल की क्योंकि चर्चा हो गई, सवाल आया था स्वीटी जी का, लेकिन इस कंपनी में जब भी चर्चा हो, जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज से कहते हैं, वैसे डिस्क्लेमर इसके लिए याद रखें।